ये अब है जहाद, ये पॉलिटिक्स नहीं है। मैं सारे पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, ये जो ऊपर कब्जा ग्रुप बैठा हुआ है और ये जुल्म करके लोगों को डरा के हमें गुलाम बना रहा है, इस जहाद के अंदर आपने किसी सूरत पीछे नहीं हटना। मैं फिर से आपको कहता हूँ, पीछे हट गए मुल्क का मुस्तकबिल क्या? वो जो बड़ी ख्वाब थी पाकिस्तान, जो हमारे लीडर कायदे आज़म जो कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, कानून की हुक्मरानी पे चलने वाले थे, आज़ादी की जब वो बात करते थे तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे आज़ादी को। हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान जिसके ज़मीर की कोई कीमत नहीं थी, जिसके मुखालिफ भी उसकी उनकी इज्जत करते थे। कई सदियों में ऐसा ज़हन मुसलमान दुनिया में नहीं आया जो अल्लामा इकबाल का था, जो उन्होंने तसव्वुर दिया था कि हमने मदीना की रियासत के असूलों पर एक अजीम कौम खड़ी कर ली, और फिर बताया कि क्यों एक ज़माने में हमने दुनिया की इमामत की, और शिकवा जवाब शिकवा में बताया कि क्यों हमारा अब जवाल है। आज हम उधर ही खड़े हैं, हमें वही अल्लामा इकबाल की जो उनकी शायरी थी, एक एक शेर के अंदर उन्होंने पूरा फलसफा दिया हुआ है कि आज़ाद कौमी की सिर्फ परवाज़ है, सिर्फ आज़ाद लोग ही इकबाल के शाहीन बन सकते हैं, गुलामों का कोई मुस्तकबिल नहीं है।